नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आगे कुछ करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जिसको नोटिफिकेशन करते हैं उसको ऑन कर लें ताकि मेरे वीडियोज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जैसा कि बताया कि मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से हूँ और हम लोग एडवांस एक्सेल एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन की ट्रेनिंग देते हैं, वो भी ऑनलाइन लाइव इंटरैक्टिव वन टू वन। ये मेरी 8 बजे की बैच है जिसमें हम एक्सेल की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सेल की पिवट टेबल की चीजें के बारे में हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके से मैं एक्सेल में पिवट टेबल को पढ़ाता हूँ और किस तरीके से हम एक्सेल के चीजों को डिस्कस करते हैं। ये सारा ऑनलाइन होगा और मेरे साथ करीब 2-3 बच्चे होंगे जो कि अलग अलग लोकेशन से, अपने घर से, अपने मोबाइल फोन से, अपने टैबलेट से, अपने सिस्टम से मुझे कनेक्ट करेंगे और हर डाउट को मेरे साथ क्लियर करेंगे। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल की पिवट टेबल की प्रॉब्लम को ऑनलाइन। मैंने मेल कर दिया इनको, ये लिंक होता है जो कि गोटू मीटिंग का होता है जो मैंने भी भेजा, ये लिंक मेल होता है, ये लिंक उनके पास पहुंचेगा, उस पे वो लिंक पे क्लिक करेंगे और मेरी वर्चुअल क्लासरूम उनको दिखने लगेगा। भी आपको रिकॉर्डिंग दिख रहा है लेकिन उसको लाइव दिखेगा और मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। तो देखिए और ऑब्जॉर्व कीजिए, और साथ में आपका प्लान अगर है कि इस तरह की क्लास को ज्वाइन करने का तो मेरा वेबसाइट पे जाके डेमो क्लासेस का फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो चलिए उनका इंतजार करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हम। तो आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में 3 लोग हैं, कालू चरण जी है एंड सौरभ है एंड सुमित जी है। कालू चरण जी एज ए डेमो ज्वाइन किया है और सौरभ सुमित जी आप लोगों का तो वैसे ही। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं अपनी न्यू टॉपिक, वो है पिवट टेबल के अंदर कैलकुलेशंस, कि पिवट टेबल में कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें जरूरत ये जानना जरूरी है कि पिवट टेबल में कैलकुलेशन जरूरत पड़ती क्यों है। तो जैसे कि मैंने पिवट टेबल, मान लीजिए एक छोटा सा पिवट टेबल लगाया और मैंने डिपार्टमेंट वाइज मान लीजिए कि टोटल सैलरी हमने यहाँ पे सभी निकाल लिया। पिवट टेबल की मदद से हमने डिपार्टमेंट के हिसाब से टोटल सैलरी यहाँ पे निकाल ली। अब मुझे रिपोर्ट जो भेजना है बॉस को, वो रिपोर्ट एज ए पिवट टेबल ही भेजना है क्योंकि वो यहाँ पे फिल्टर वगैरह है, डेटा अपडेट होता रहता है। इसलिए जैसे कि मंथ का फिल्टर है तो मंथ से फिल्टर लगा के अपना देख सकते हैं, क्योंकि अब पिवट टेबल लगाया तो इसके लिए फॉर्मूलो और बहुत सारे को कंबाइन करना पड़ेगा, इसलिए उतना झमेला हम नहीं करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ है कि बॉस ने बोला कि मुझे सैलरी तो चाहिए चाहिए, साथ में मुझे ए बी परसेंटेज चाहिए कि किस डिपार्टमेंट पे अपना बजट क्रॉस कर लिया है। अब बजट का मतलब क्या हुआ, मतलब कि हर डिपार्टमेंट को एक अमाउंट दिया गया है कि इस अमाउंट से ऊपर की खर्च नहीं करनी है आपको। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि टारगेट को कैलकुलेट करने का, तो मुझे टारगेट से हर किसी को डिवाइड करके यहाँ पे परसेंटेज देना है। तो बॉस ने बोला कि टारगेट है 15 लाख, तो हर नंबर को मुझे डिवाइड करना है 15 लाख से और फिर उसका परसेंटेज में रख देना है। तो ऐसे मैनुअली तो हम कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये पिवट का पार्ट नहीं। मान लीजिए कल के डेट में मैंने सैलरी की जगह पे ओवरटाइम भी डाल दी, सैलरी और ओवरटाइम दोनों डाल दिया, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होगी। वहां पे प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि ये इसको ओवरराइड कर देगा, तुरंत ओवरराइड कर देगा। दिखाता हूं आपको मैं, इस पे क्लिक किया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोनस रख दिया नीचे, पूछा आपने ओके किया, आपका फॉर्मूला गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि कैलकुलेशन पिवट के अंदर करना ताकि वो पिवट का पार्ट रहे। जब हम फॉर्मूले को इंक्रीज डिक्रीज पिवट टेबल में नया ऐड करें तो वो सिर्फ हो ना कि
रिप्लेस ठीक है, तो कैसे होगा? तो मैं डेटा में गया सबसे नीचे, और यहां टारगेट दे देता हूं, और टारगेट में मैंने सैलरी में यहां लिख दिया 15, गाय दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि पिवट हमारा अपडेट नहीं होगा, रिफ्रेश करने से पिवट अपडेट होता है, लेकिन कौन सा? इसमें ऊपर से एरिया चेंज करना पड़ेगा। नहीं, हेलो, क्यों? क्योंकि डेटा के अंदर कोई चेंज करते हो तो आपका पिवट अपडेट होगा रिफ्रेश से, लेकिन आपने डेटा के बाद, क्योंकि पिवट जो बना हुआ है वो 105 तक ही बना हुआ है ना, इससे नीचे का एरिया जाके चेंज करना पड़ेगा, उसमें एरिया को, इसका एरिया चेंज करना पड़ेगा एनालाइज के अंदर जाके, रीसेलेक्ट, इसको बोलते हैं पिवट सोर्स को रीसेलेक्ट करना, चेंज डेटा सोर्स जाएंगे और पिवट के सोर्स को रीसेलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या हुआ, अब यहां आ गया, अब मुझे इससे बाकी को डिवाइड करना है। अब एक चीज यहां पे आप देखिए कि मैं सैलरी को मैं एक बार और उठा के रख देता हूं, एक वैल्यू ऐसा फील्ड है जिसमें आप दो एक से ज्यादा फील्ड को मोर देन वन टाइम रख सकते हैं, वरना इसमें क्या है कि डिपार्टमेंट आपने एक बार इसमें रख दिया तो इन तीनों में से किसी एक में ही होगा, दूसरी बार दो बार नहीं हुआ कि आपने डिपार्टमेंट के आगे रूम में रख दिया और फिल्टर में रख दिया, ये पॉसिबल है। तो उठा के हमने यहां पे इसको रख दिया, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी तो यहां पे, लेकिन वैल्यू में हम एक से ज्यादा फिल्म को रख सकते, तो उस केस में यहां देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग आपको देखना होगा, उस पे आइए, वो वैल्यू है। कालू चरण जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। हेलो, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशंस को लिया और कैलकुलेशन में यहाँ पे देखिए परसेंटेज, जी मैंने बात करनी है तो मैं कैसे करूंगा? क्या मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने बात करनी होगी तो मैं कैसे करूंगा? नहीं बोला म्यूट कर लीजिए, जब पूछना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। हम यही यही मैं पूछ रहा था कि सैलरी इसमें वैल्यू वाले एरिया में दो बार कैसे आ गई? दो बार मैं दो बार रखे है ना सर, यही तो मैं समझा रहा हूं कि वैल्यू वाले सेक्शन में आप एक फील्ड को कई बार रख सकते हो। ओके, तो यहां पे एक बार इसलिए रखा कि एक बार मुझे दिखेगा सैलरी और दूसरे बार में दिखेगा परसेंटेज, तो मैंने ठीक है दूसरे में गया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट में फील्ड वैल्यू सेटिंग में सो वैल्यूएज पे गया, कैलकुलेशन को चेंज किया परसेंटेज ऑफ में, और यहां पे डिपार्टमेंट और यहां पे टारगेट लिया कि टारगेट जो है उससे हर डिपार्ट बाकी डिपार्टमेंट की वैल्यू को डिवाइड करना है, परसेंटेज निकालना है। ओके करते देखिए ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, समझे? तो दो बार रखने का पर्पस यही था, और ये पिवट का पार्ट हो गया कि कल के रेट में मैं बोनस रखूंगा तो फिर वो शिफ्ट होगा, रिप्लेस नहीं होगा।
इसमें दो चीज आपको समझनी है, पहली कि कैलकुलेशन पिवट के अंदर कैलकुलेशन करना क्यों जरूरी है, और दूसरा कैसे करेंगे कैलकुलेशन। दोनों पार्ट समझ में आया आप लोगों को बिल्कुल आया, जी? आया चलिए, अब कैलकुलेशन के अलावा इसमें और भी चीजें हैं, उसको एक बार देख लीजिए, ये आपको खुद करना है। मैंने इसकी कैलकुलेशन दिखा दिया है, जैसे कि नो कैलकुलेशन मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल से परसेंटेज निकालेगा, कॉलम टोटल से निकालेगा, रो टोटल से निकालेगा। अब कॉलम टोटल, रो टोटल क्या होता है, ग्रांड टोटल क्या होता है, तो इसके लिए समझने के लिए आपको दो फील्ड चाहिए। मैंने सैलरी के एक बार सैलरी हटा देता हूँ, और मैंने मान लीजिए सिटी को रख दिया, इसमें क्या है कि परसेंटेज ऑफ रो जो है, सॉरी रो जो है, रो का टोटल ए इसको कहलाया जाता है, कॉलम टोटल ए होता है, एंड ग्रांड टोटल ए होता है। तो जब आप वैल्यू सेटिंग में जाओगे, यहां पे अगर ग्रांड टोटल करते हो, तो जितने भी नंबर्स है उसको ये जो 8119784 आ रहा है, इससे डिवाइड होगा। कॉलम टोटल करते हो तो हर नंबर को उसके नीचे जो कॉलन है उससे डिवाइड होगा, और यहाँ रो टोटल करते हो तो रो से डिवाइड होगा जो यहाँ साइड में है, ठीक है? पैरेंट रो टोटल इससे पहले वाले रो का टोटल होगा, पैरेंट कॉलम टोटल, पैरेंट टोटल डिफरेंस फ्रॉम परसेंटेज ऑफ रनिंग टोटल, क्यूमुलेटिव टोटल कहलाता है, उसकी परसेंटेज है। तो आप इन सारे के जितने भी कैलकुलेशन वाले पार्ट है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बिलोंग करता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन सबों को एक बार आप अप्लाई करके देखें। जहां पे दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है, वहां हम आपको बता देंगे। ठीक है सर? ठीक है, तो ये हमारा आइटम का टोटल था। अब आइटम का टोटल के बात करते हैं फील्ड का टोटल। जैसे कि हमने सैलरी रख लिया, बोनस रख लिया, एंड ओवर टाइम रख लिया। सैलरी, बोनस एंड ओवर टाइम, बट इन तीनों का टोटल यहां ग्रांड टोटल नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि फील्ड को आपस में सम कर, इससे पहले तो हमने आइटम्स को कैलकुलेट किया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि उसमें जो इनबिल्ट थे वही अप्लाई कर सकते थे। हम खुद के कोई मैथमेटिकल लॉजिक्स एंड एक्सेल की फॉर्मूले वगैरह नहीं लगा सकते, लेकिन अब मैं इसमें सब कर सकता हूं। इसके लिए मैं एनालाइज में जाऊंगा, फिल आइटम पे, कैलकुलेटेड फिल पे जाऊंगा, और यहां पे लिखूंगा टोटल इक्वल, और मैं यहां पे सैलरी को लिखूंगा इंसर्ट, प्लस करूंगा बोनस को सिलेक्ट करूंगा, प्लस करूंगा एंड ओवर टाइम को, दैट ऐड एंड ओके आ गया। ऐसे मान लीजिए टोटल का मुझे 18% टैक्स निकालना है, तो कैलकुलेटेड फील्ड टैक्स। इंसर्ट मल्टीप्लाई बाय 18% है, और इसको ऐड करेंगे एंड ओके। तो इस तरह से आप यहां पे कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं मैथमेटिकल कैलकुलेशन खुद का करना। मतलब ये तो हुआ कि एक मैथमेटिकल बार प्लस माइनस सब लगा सकता हूं मैं, क्या बोले सर?
मैं ये कह रहा था कि अगर आपने जैसे ये ऑटोमेटिक वाला सिस्टम में डाल दिया पाइवट के, अगर बाई चांस इस फॉर्मूला में, जो चूंकि ये फॉर्मूला है सैलरी बोनस एंड ओवर टाइम का, अगर एक भी चीज को हम हटाएंगे तो काम करेगा? इस सीट को हटाएंगे तो नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे अभी 3 फील्ड हमने ऐड की थी ना, उसी में पाइवट में एक सैलरी प्लस बोनस प्लस ओवर टाइम का फॉर्मूला लगाया था टोटल में, तो अगर हम इनमें से एक भी फील्ड यानी कि ओवर टाइम हटा दिया या बोनस हटा दिया या नहीं, सैलरी इसमें से एक हटाने से पार्ट हटा दिया, इसमें हटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इसको इसमें को परचेज टोटल नहीं कर रहा है, डेटा के टोटल कर रहा है, डेटा से है सर अच्छा पीछे वाली शीट से कैलकुलेट हो रहा है बाय डिफॉल्ट। वो, सारी कैलकुलेशन इसी से होती है। यहां पे क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। ठीक है अब बात करते हैं कि मुझे अगर वर्कशीट का फॉर्मूला लगाना हो, ये तो मैंने मैथमेटिकल प्लस किया, मल्टीप्लाई कर लिया, जो आप ऐसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो, बट अगर आपको एक्सेल वर्कशीट में कोई फॉर्मूला लगाना हुआ तो आप अपने एक्सेल वर्कशीट के फॉर्मूला भी लगा सकते हो। एनालाइज पे जाओ और कैलकुलेटेड फील्ड, जैसे कि यहां पे मैं इसको राउंड करना चाहता, तो मैंने यहां पे 8 टैक्स कर दिया, राउंड टैक्स, और यहां पे मैं जो फॉर्मूला है राउंड का वो लगाऊंगा, जो एक्सेल में लगाते हैं जनरली, और फिर यहाँ परफॉर्मेंस स्कोर को इन सब, परफॉर्मेंस स्कोर नहीं है, टैक्स है ना, टैक्स को या एंड कॉमा, तो जैसे एक्सेल में लगाते हैं फॉर्मूला ऐसे यहाँ पे वो लगा के आएगा, ठीक है। तो राउंड भी काम करती है इसी तरह से, आप और फॉर्मूले लगाएंगे तो और फॉर्मूले, क्या हमने फॉर्मूले भी पढ़ा नहीं है, तो फॉर्मूले के बारे में बताना जरूरी नहीं है, जब हम फॉर्मूले पढ़ लेंगे तो आपको फिर मैं इसमें सारे फॉर्मूले इंक्लूड करके दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला आपका वही लगेगा जिसका रिजल्ट जो है नंबर आता है, अगर रिजल्ट टेक्स्ट है तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहां वैल्यू वाले फील्ड में जो सो सो करेगा वो आपका नंबर ही शो करेगा, टैक्स शो नहीं करेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाने से पहले आप इन चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा कि आप जो नंबर जो यूज कर सर, रहे हो इसमें वो नंबर है या टैक्स है, ठीक है सर सर। इसमें अपर लोअर का फॉर्मूला काम नहीं करेगा? नहीं, एरर हो जाएगा फिर, तो अच्छा, ठीक है कौन सा सर। फॉर्मूला एरर करेगा? कोई फॉर्मूला जिसका रिजल्ट टेक्स्ट होता है, जैसे वी लुकअप, जैसे लेफ्ट राइट मिड, टैक्स वाले फॉर्मूले है ना ये, अप्लाई कैसे होंगे? ये तो न्यूमेरिक है ना, नहीं टेस्ट पे करने हो तो। समझ गए? अब मुझे ये पता करना है कि इसमें कितने फॉर्मूला लगे हुए हैं, बस यहां पे लिस्ट फॉर्मूला पे क्लिक कीजिए तो एक नई सीट में जितने फॉर्मूले लगे हैं उस सारे फॉर्मूले लगा कर, ठीक, समझ में आया सर? तो फॉर्मूलेज को आप लोग इस्तेमाल करें,